हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं आया हुआ हूँ कच्छ में, अपने गांव में। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक विंडमिल के पास में। तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि विंडमिल के आसपास कैसी जगह होनी चाहिए और विंडमिल में क्या होता है एक्चुअली। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं एग्जैक्टली विंडमिल के टावर के नीचे खड़ा हूँ। आप लोग देख पाओगे तो ऊपर की तरफ जो है विंडमिल घूम रही है और मैं अभी विंडमिल के नीचे जा रहा हूँ। तो देखते हैं अंदर की तरफ क्या है। तो कुछ इस तरह के पिलर्स है यहाँ पे, ये होलो पिलर्स है और ऊपर की तरफ जो है वो एक सिलेंड्रिकल डोम पिलर है। तो ये ओपन है, इसकी वजह से हम लोग को इसके नीचे जो भी है सब लोग दिख पाएगा। तो कुछ इस तरह के केबल्स हैं यहाँ पे, आप लोग देख पाओगे तो यहाँ पे कुछ केबल्स बंधे हुए हैं नीचे की तरफ और ये केबल सीधा जा रहा है ऊपर की तरफ, जहाँ से विंडमिल्स के जो पंख है वो कनेक्ट होते हैं। और पीछे की तरफ जो है इलेक्ट्रिकल डीपी लगी हुई है कुछ यहाँ पे, ये सब जो इलेक्ट्रिकल वायर्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ से जनरेटर में से सीधा ऊपर की तरफ से। तो ये सभी जो वायर से जा रहे हैं डीपी में, जहाँ पे पावर स्टोर होके फिर आगे लाइन से बढ़ता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। तो अगर किसी इंजीनियर को अगर ऊपर जाना हो तो यहाँ पे सीढ़ी की मदद से ऊपर जा सकता है। आपको क्लोजर लुक देता हूँ मैं उसका। तो ये जो सीढ़ी आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसकी मदद से जो इंजीनियर्स होते हैं इसका मेंटेनेंस वगैरह जो भी करते हैं, इसको ऑन या ऑफ करने का जो भी सिस्टम रहता है वो यहाँ से सीधा ऊपर जाके वो कर सकते हैं। और इस तरह पे पूरी डीपी है। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल हब या फिर डीपी का जो है फ्रंट एरिया है, जहाँ से लोकल पीपल्स को एंट्री बंद करने के लिए जो कि वॉल्स लगाई गई है सीमेंट्स की। और ये केबल आप लोग देख पा रहे हो तो ये सीधा जाएगा बाहर की तरफ। और आप लोग काफ़ी सारी विंडमिल्स देख पा रहे होंगे आसपास। तो अगर आप लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीन हो तो आप लोग उनको रिक्वेस्ट डाल सकते हो, या फिर उनका जो पॉइंट है विंडमिल का वो आपकी ज़मीन के ऊपर आ रहा होगा तो आप लोग ऐसी विंडमिल अपने जगह पे सेटअप कर सकते हो। और आपको जगह चाहिए होगी 4 एकड़ की, 4 एकड़ की जगह अगर आपके पास होगी तो ये विंडमिल सेटअप हो पाएगी। क्योंकि जो भी विंडमिल की कंपनीज है, जैसे सुजलोन है या फिर कौन सी भी आप अलग अलग कंपनीज ले लो, वो 4 एकड़ की जगह आप लोग के पास से ले लेंगे और उसमें अपना विंडमिल जो है सेटअप करेंगे। क्योंकि विंडमिल होती बहुत बड़ी है तो किसी तूफान या फिर किसी ऐसे नेचुरल डिजास्टर की वजह से या फिर विंडमिल को गिरना हो तो 4 एकड़ की जगह चाहिए होगी। तो 4 एकड़ की जगह जो है पूरे पूरी आप लोगों से ले लेंगे और फिर जो है अपना सेटअप इसमें करेंगे। तो आप लोग पीछे कुछ देख पाएंगे विंडमिल कितनी बड़ी है। और इसके पास मैं अभी खड़ा हूँ तो काफ़ी सारा शोर भी हो रहा है इसके पंख से। और ये कुछ डिटेल्स थी विंडमिल को लेकर, आप लोग को अगर सेटअप करना हो या फिर कैसा सेटअप रहता है उसका। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से कर लीजिए लाइक शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।